आशा करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने अपने अपने गुरुओं की मुलाकात की होगी, या तो बजरंग बली के मंदिर पे अवश्य गए होंगे। और कल हमारा स्टॉक मार्केट फिर खुलेगा और ये वीक जो है मंडे टू फ्राइडे वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मेरे हिसाब से, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट के बाद का इम्पैक्ट और बजट से पहले का इम्पैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। सेक्टोरियल चेंजेस होते हैं, अभी बैंक इंडस्ट्री पे जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, डोमेस्टिक सेविंग का घटना और बाजार में ही पैसे को ले जाना, तो बैंकों के लिए तो एक काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आ चुका है और बाजार के लिए अच्छी खबरें ही आ रही है। देखिए हमारी बाजार 100% फुल प्रूफ सेल्फ रिलायंट हो गई, टोटली सेल्फ रिलायंट। FI फॉरेन इन्वेस्टर जो बाजार को चलाते थे, अभी उनकी एक नहीं चलती, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का जो इनफ्लो है वो लगातार बढ़ गया है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर मान लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना भी आए स्टॉक मार्केट में, या वो बिकवाली कर दे ओवरनाइट और भारतीय मार्केट को गिरा दे, ऐसा अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत ही बढ़िया और टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 पे है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का जो आउटरेज था, उनके इम्पैक्ट दुनिया भर ने झेला, लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट में इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हालात में भी हमारी स्टॉक मार्केट टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हमारे जो सेटलमेंट्स है वो भी बहुत जल्दी से रहे हैं, T+1, T+2, और अब तो ये आने वाला है कि सेम डे सेटलमेंट हो जाए, मतलब आपका जो भी पैसा होगा किसी शेयर को आज आपने सेल किया तो आज ही के आज वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, सेटलमेंट पूरा हो जाए बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। अब बातें तो बहुत है करने की, लेकिन कल का जो स्टॉक मार्केट का सेशन है उसमें आपको जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको हेजिंग करके चलना है, मतलब कॉल और पुट दोनों में पोजीशन रखनी है, क्योंकि मार्केट आइदर साइड जा सकती है। फिलहाल इस वक्त गिरने का चांसेस ज़्यादा है, कल मार्केट गैप अप खुलेगी नहीं खुलेगी, गैप डाउन ही खुलेगी और जो ट्रिगर्स आएंगे, पैनिक ड्रिवन खबरें आएगी, इसके कारण हो सकता है कि पूरा सेशन गिरावट के साथ बंद हो, क्योंकि जो अनाउंसमेंट है बजट के वो तो 23 तारीख को ट्यूसडे को 10 बजे के बाद शुरू होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में हेजिंग के अलावा एक कॉमन साइकोलॉजी भी हेल्प करती है,
मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है साइकोलॉजी। देखिए, इसको कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी कहा जाता है। कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी मतलब जो जनरलाइज लोग मानते हैं, या तो जो जनरलाइज परसेप्शन है मार्केट का कि अब मार्केट बढ़ेगा, अब मार्केट गिरेगा, तो आपको पहले जनरलाइज जो परसेप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। सब लोग ये मानते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, अच्छा ये है परसेप्शन, तो आपको क्या करना है, उससे उल्टा चलना है। आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपने जो ट्रेड लिए, ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो लॉस होता है, और अगर उस वक्त आपने ये सोचा होता और कॉन्ट्रा एक्शन लिया होता कि चलो मैं बात बाय बाय कर लूँ, सब लोग बाय करते हैं, लेकिन आपने अगर सेल किया होता तो हो सकते हैं कि अब तक के जो लॉस वाले जितने ट्रेड थे आपके वो प्लस में आ गए, आप प्रॉफिट बना सकते थे। हम जिस वक्त सोचते हैं कि हमें ये करना है, तब जनरलाइज थीम को देखना है। व्हाट इज द जनरलाइज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट का थीम क्या है, सराउंडिंग इवेंट्स क्या क्या है, और कौन सा दिन है ट्रेडिंग का। मान लीजिए कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एट दी एंड मार्केट डाउन होगा, क्योंकि सब लोग अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप करके निकल जाएंगे ताकि मंडे को फ्रेश ट्रेड ले पाए, और जो कैरी फॉरवर्ड जिन्होंने किया है उसका क्या होगा, सैटरडे संडे की छुट्टियों के कारण इसका प्रीमियम गलेगा। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अगर लॉस है तो लॉस भी बुक कर लेते हैं मंडे को, क्योंकि मंडे को तो उससे भी कम भाव खुलने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेड आपने 200 रुपये में लिया है, फ्राइडे को वो बंद होता है 195 पे, तो अगर आप वो कैरी करते हैं तो एक डेंजर ये रहता है कि अगर मंडे को गैप डाउन हुआ मार्केट, वो 195 वाला 168 हो जाता है, तो क्यों ना हम 195 में सेल करके मंडे को 168 में इसको बाय न करें। आप समझे मेरी बात, जैसे मैंने अभी हेजिंग के लिए आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के आप कॉल एंड पुट दोनों एक ही समय के एक ही प्राइस के ले लीजिए, लेकिन हो सके तो एट दी एंड इसको स्क्वेयर अप कर दी, क्योंकि दो दिन की छुट्टी थी, आप कल ये कर सकते हैं, लेकिन पहले मार्केट को धीरे से देखना है। गैप अप खुले, अगर कैरी फॉरवर्ड किया है तो उनका इम्पैक्ट आपको मिलेगा, मैंने किए हैं कैरी फॉरवर्ड कल, टू बी वेरी प्रेक, क्योंकि मेरी हेजिंग की पोजीशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक में लॉस आएगा तो दूसरे में प्रॉफिट आ जाएगा, तो लॉस मेरा कम होगा, और अगर मार्केट में मैं प्रॉफिट बुक करता रहूं और मेरी जो पोजीशन है उसको खड़ी रखूं, जैसे मान लीजिए कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो मैंने जो ट्रेड लिया है उसमें पुट चलने वाले हैं, अगर पुट में मान लो कि 1100-1200 का प्रॉफिट हुआ, वो मैंने ले लिया, तो सेल कर दिया और प्रॉफिट ले लिया, फिर क्या करना है, देखो कि अगर आपने 197 में इसको सेल किया है और आपको फिर से वो 180 में मिल रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि कॉल में तो लॉस होता ही होगा, क्योंकि अगर पुट चलेगा तो कॉल के प्रीमियम घटने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, लेकिन वो एनी टाइम इट कैन चेंज, क्योंकि हमारी स्ट्राइक प्राइस ही ऐसी लिखी है, मान लो कि अभी 52,300 चल रहा है, तो हमने 52,000 की स्ट्राइक प्राइस क्या ही लिया है, जिससे प्रीमियम कम गए, और
अगर पुट बढ़ता है प्रॉफिट बुक करते जाइए, बुक करते जाइए, और जब मार्केट टर्न लेगा, हो सकता है ट्यूसडे को टर्न ले, तो फिर कॉल चलने लगेगा। आप समझ रहे हैं ना, लेकिन ये चीज ऑन द स्क्रीन करना है। कभी भी बैठ कर उसको छोड़ना नहीं है फोन को, एक दिन कल और परसों दो दिन के लिए आपको ऑनलाइन ही रहना है, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को देखना ही है। और अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा कोई शेयर में आप पोजीशन ले, तो आपको एक मैं आइडिया देता हूँ, वो आप कर सकते हैं। मान के चलो कि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और कल यानी ट्यूसडे मंडे को डाउन हो सकता है, तो आप अगर इसमें पुट मान लो लेते हैं, तो इसके साथ साथ अगर हो सके तो आप कैश में भी एक शेयर लेके अपनी ओपन पोजिशन में रखते और उस पर नज़र बनाए रखें। अगर वो डाउन होगा तो आपका पुट बढ़ेगा, अगर वो अप होगा तो वो आपका पुट की कीमत घटेगी। तो आपको हर वक्त विंडोज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अभी रिलायंस क्या चल रहा है, एक लेख के आप अपनी ओपन पोजिशन को देखते रहे, वो तो लाइव आती रहती है। एक आपने मान लीजिए कि फॉर इंस्टेंट मैं बोल रहा हूँ, लार्सन टोब्रो का कॉल या पुट लिया है, तो लार्सन टोब्रो का एक शेयर आप ले लीजिए, रखिए आपके सामने, उस पर नज़र रखिए कि प्राइस मूवमेंट क्या होती है, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या होगा, थोड़े रिलैक्स रह के आप देख पाएंगे। एक ही बात है कि जैसे उनका प्राइस बढ़ेगा तो कॉल के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, और डाउन होगा तो पुट के प्राइजेस बढ़ेंगे। यू हैव टू सी इट ओनली। अगर मान लो 3560 का आपने लार्सन एंड टोब्रो को लेके एक रखा है और उसका कॉल आपने लिया है 3570 का, तो अभी आपको क्या करना है कि एक जो आप पोजिशन में पड़ा है उनका प्राइस देखते रहो, 3570 हो जाता है, 80 हो जाता है, मान लो कि वो आपका जो कॉल है वो बढ़ने वाला है, और आपका एक शेयर की जो पोजीशन है वो जब तक बढ़ती रहे तब तक कॉल आपके ट्रेड से निकलने की ज़रूरत नहीं है, जब तक बढ़ती रहे। आप देख सकते हैं लाइव कि भाई ये अभी 3570 हुआ, 3571 हुआ, तब तक आपको कॉल में से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, आप रखिए, क्योंकि आपका कॉल बढ़ता ही है, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या भाव है, यू नीड नॉट टू चेक इट अगेन एंड अगेन। और जैसे प्राइसेस डाउन होने की शुरुआत हो, मान लो 50 पैसा हुआ, फिर 25 पैसे हुआ, फिर 20 पैसे हुआ, तो देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर कॉल पोजीशन। लेकिन मार्केट में कल और परसों दो दिन आपको ऑनलाइन ही रहना है, ऐसा नहीं कि मैं रख दूँ फोन और मैं बाद में मेरा ये काम फिर मैं देखूँ। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, आपने हेजिंग किया है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, परसों शाम तक आप बैठे रहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो आपका पुट बढ़ने वाला है। इसमें एक आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो ये है कि आप बीच बीच में से आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, इसलिए हो सके तो यही अच्छा रहेगा कि आप कंटिन्यूस ऑनलाइन रहे ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेडिंग सेंटर और प्राइस मूवमेंट को देखते रहे। परसों का जो बजट होगा, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, अक्टूबर में होने वाली है, नेक्स्ट अक्टूबर 24, मतलब ज़्यादा समय नहीं है, दिवाली से पहले पहले ये इलेक्शन होना है। ये महाराष्ट्र पोल में बीजेपी को अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है अपने
परिणाम है, तो उनको ये देखना होगा कि बजट में बहुत हार्श न बनाए। और लोगों की एक मेंटालिटी है कि बीजेपी जो है वो कॉरपोरेट फ्रेंडली ज़्यादा है इंडिविजुअल से। इसका क्या कारण है? वैलिड रीज़न कि कॉरपोरेट वाले 25% टैक्स दे रहे हैं और इंडिविजुअल को 30% टैक्स देना पड़ता है। मतलब नौकरी पेशे या व्यापारी लोग जो है उनको अपने इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स के स्लेब के अनुसार मैक्सिमम 30% टैक्स देना है, और कंपनीज जो है जो इतना 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 बड़ा प्रॉफिट करती है उनको सिर्फ 25% ही टैक्स देना पड़ता है। तो ये बीजेपी अगर अपनी ये इमेज इम्प्रूव करना चाहती है तो हो सकता है कि आइदर इंडिविजुअल का भी 25% टैक्स कर दिया जाए, मैक्सिमम स्लैब जो है 30% का वो 25 कर दिया जाए, या कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ाया जाए 5% और इसको एट पार विद इंडिविजुअल कर दें। लेकिन अगर कॉरपोरेट टैक्स बढ़ेगा तो मार्केट पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। और आप इंडिया विक्स पर भी नज़र बनाए रखें, इससे मार्केट की वॉलेटिलिटी का अंदाज हमें आएगा। एक आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि आप कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी पर चलें। यह ऐसे ही मार्केट चलता है क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स का रोल अहम रहता है, वो गिरा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, हमारा बस नहीं चलता है। एज ए जनरल वो क्या करते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है और जो लोग मानते हैं उससे अलग ही चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। ये शतरंज का खेल होता है। आप अगर ऐसा मानते हो कि मार्केट बढ़ेगी तो दूसरा ऐसा मानता है कि मार्केट गिरेगी। दोनों आमने सामने बैठे हैं चेस की गेम की तरह। इसीलिए हमें क्या करना है, जनरलाइज्ड व्यू क्या है, मोटे तौर पे क्या लगता है मार्केट अप होगी डाउन होगी सोच लीजिए आप। हाँ, अगर इवेंट के नतीजे आ चुके हैं और इवेंट बहुत ही फेवरेबल है और जब हम श्योर हैं कि नहीं कल बाजार बढ़ेगी वो अलग बात है, लेकिन जब कोई इवेंट नहीं है और बस एक सिर्फ फोबिया है मार्केट चलेगा ये चलेगा वो चलेगा, सब ये अगर मानते हैं तो हमें ये मानना है कि मार्केट गिर सकता है। और गिरने का मानना जो है वो ज़्यादा यूजफुल इसलिए है कि मान लो कोई भी एक शेयर है वो 25 रुपीज़ का चल रहा है, आपने लिया वो 40 हो गया, लेकिन एक बात याद रखिए कि वो डाउन होगा ही एक दिन, इसमें इतना आपको नुकसान ही नहीं होगी। आपने 25 में लिया वो 40 हो गया, फिर वो 32 आ जाएगा तो 1500 वाला लॉस आपका कम हो जाएगा। लेकिन ये सब बातों को इसमें नज़रअंदाज करना नहीं है, यही मार्केट की ब्यूटी है। आप अपना परसेप्शन निकाल लें, इवेंट देख लीजिए, बारिश का कहर है और आप देखिए अमेरिका में COVID-19 के न्यू वेरिएंट के केसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने कहर मचा रखा है, करीब 20 बच्चे खुदा के प्यारे हो गए, करीब 60 लोगों बच्चों को इनकी इफेक्ट है और ये पूरे गुजरात के लिए इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि फ्लाइज जो है सेंट फ्लाइज उसकी सीज़न दिसंबर तक रहती है पूरे 6 महीने, और मच्छरों की सीज़न भी दिसंबर तक तो रहती है जब तक ठंडी ज़्यादा बढ़े नहीं तब तक। तो ये चांदीपुरा वायरस वाला जो इश्यू है वो भी सीरियस है।
ब्रिटेन में तकलीफ होने लगी है, कुछ रायोटिक हो रहा है। अमेरिका में भी अक्टूबर में इलेक्शंस हैं, तो उनकी तैयारियां चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज आ गया। तो आप सब ऐसी बातों को नज़रअंदाज न करें, इस पर वॉच रखें। और ये दो दिन आपके लिए पैसा छापने का मौका है, मैं आपको बताऊं। आप हेजिंग करके चलेंगे, आप देख लीजिए कल जैसे मार्केट खुलेगी गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप पुट ले लीजिए मॉर्निंग में इमीडिएटली। अगर हेजिंग करोगे तो कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई जोखिम नहीं है। लेकिन जब कॉल की कीमत बढ़ती रहे तब पुट मत लेना। आपने कॉल ले लिया, मान लो 216 का भाव है और वो 259 हुआ, 270 हुआ, तो वो जितना बढ़ेगा इतना पुट सस्ता मिलने लगेगा आपको, तो उस वक्त आप पुट ले लीजिए। लेकिन अगर कॉल की कीमत डाउन होती है, 216 वाला 180 हो गया, तो उस वक्त पुट की कीमतें बढ़ी होगी। ये भी ऐसी कुछ चीज़ें को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, और कल आराम से आप ट्रेड लें, हेजिंग करें। और मैं आशा करता हूँ कि हेजिंग एक बार करने के बाद आपको पता लगेगा और ऐसा होगा कि ये अच्छी चीज़ है। ओके, बजट के बारे में कल एक आध वीडियो मैं अवश्य डालूँगा। आपको कल के ट्रेडिंग के लिए मेरे ओर से मेरी शुभकामनाएँ। काइंडली सब्सक्राइब करें या नहीं करते हैं आप लोग, मुझे कहना पड़ता है। 83% लोग ऐसे हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, फिर भी मेरी चैनल वो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं हो रहे। तो ऐसे लोगों को खास मैं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, सिर्फ एक क्लिक करना है, एक क्लिक करके मेरी मुस्कान बढ़ा। ओके, गुड नाइट।